ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे निधीनां त्वा विपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस आयोजन में उपस्थिति, गौरवमय उपस्थिति देने वाली सभी विद्वत शक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को वेद संस्थान की ओर से अभिवादन है, अभिनंदन है। आज वैदिक व्याख्यान में एक बढ़िया ही विषय रखा गया है, वैदिक दृष्टि में स्वाध्याय। इसको हम सब ने परिचर्या, वैदिक परिचर्या पैनल डिस्कशन के रूप में रखा है और इसमें प्रमुख प्रवक्त्री है हमारी वेद संस्थान की ही परिवार के, वेद संस्थान के ही परिवार की सदस्य अपर्णा धीर जी हैं और साथ में तीन चार विद्वान हैं, जैसे मेरी जानकारी में है प्रताप चंद्र राय जी हैं, डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार हैं और डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी हैं। तो इन सभी के सानिध्य में एक बढ़िया चर्चा हमें सुनने को मिलेगी। तो मैं आगे इस कार्यक्रम के सुचारू संपादन के लिए मैं योग्य विदुषी संस्थान की कार्यकर्त्री शशि तिवारी मैडम जी को ये दायित्व सौंपता हूँ, वो सुचारू रूप से संपादन करें, वक्ताओं का परिचय दें और जैसी भी प्रविधि है, मेरे लिए तो ये प्रविधि नई है, तो हम सब इस प्रविधि का आनंद लें। तो अब शशि मैडम जी, इस कार्यक्रम का संचालन आप करें। धन्यवाद जी। आपका म्यूट है मैडम जी। अनम्यूट करिए अभी। सभा में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार और अभिवादन अभिनंदन। जैसा कि डॉक्टर देवकृष्ण दास जी ने बताया है, ये इस बार परिचर्चा के रूप में आयोजित किया गया कार्यक्रम है। समय एक घंटा इसका है, वो गलत है, 6:15 तक है। और जो मुख्य वक्ता है वो डॉक्टर अपर्णा है, बाकी तीन और विद्वान रखे गए हैं जो कि युवा वैदिक विद्वान है और वे कुछ थोड़ा थोड़े समय में इसी विषय पर अपने विचार रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी खास चीज हो रही है। परिचर्चा का मैं जो अर्थ समझती हूँ वो ये है कि इसमें एक ही विषय पर सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, तो एक संवाद जैसा हो जाता है, परिसंवाद जिसको कह सकते हैं। बाकी अगर सब लोग अलग अलग विषयों पर बोलते हैं तो फिर वो सम्मेलन के रूप में होता है, जिसे आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ मुख्य इसलिए स्वाध्याय की चर्चा मुख्य रूप से अपर्णा द्वारा की जाएगी और उसके क्योंकि इतने अधिक रूप हैं, इतने अधिक उसके तात्पर्य निकल सकते हैं, शायद दूसरे कुछ तात्पर्य दूसरे लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया जा सके। ये वेद पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं कि वेद में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि अपने में बहुत सारे अर्थों को समेटे होते हैं और उनके बहुत महत्व भी होता है और उनके बड़े सारे अर्थ और तात्पर्य निकलते हैं। जैसे ओम शब्द है, स्वस्ति शब्द है और उसी परंपरा में स्वाध्याय भी आता है। स्वाध्याय में अगर हम इसकी व्याकरण करें तो स्व प्लस अध्याय है, स्व में अध्याय जुड़ा हुआ। स्व जो शब्द है संस्कृत की, आप या कोई भी हिंदी की डिक्शनरी उठाएंगे तो सबसे ज्यादा
जो इन शब्दों का निर्माण होता है वो स्व लगकर हो रहा है, क्योंकि ये सर्वनाम भी है स्व और विशेषण स्वार्थ स्वाभिमान स्वराज्य स्वतंत्र, तो स्व स्व लगाकर बहुत सारे शब्द या विशेषण भी बन सकते हैं या संज्ञावाचक शब्द भी बन सकते हैं, उसी तरह से स्वाध्याय हो रहा है। तो यहाँ पर स्वाध्याय शब्द शांति का तो ये हुआ स्व माने अपना अध्याय या कुछ और, वही देखने की बात है जहाँ जो संहिताएं हैं उनमें इसका प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। बाद में तो खैर सभी को बताया तैतृय उपनिषद में जो उपदेश दिया गया है उसमें स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है, सत्यवत धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमादमत करो। तो यहाँ पर स्वाध्याय जो है वो वेद भी हो सकता है और वेद का अध्ययन भी हो सकता है, दोनों क्रिया रूप में भी हो सकता है संज्ञा रूप में भी हो सकता है, और सत्य और धर्म तो दोनों ही रूपों में हो सकते हैं। तो आचार्य उपदेश दे रहा है, तो इस तरह से स्वाध्याय शब्द का क्या विवेचन क्या तात्पर्य, मैं थोड़ा सा जो यहाँ उपस्थित हो गए उनका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर अपर्णा जी को जैसा कि बताया गया सभी लोग वेद संस्थान में जानते हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीए से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई की है और वेद इनका विशेष विषय रहा, ज्योतिष भी रहा, और इन्होंने कुछ वर्षों से एक दूसरी तरह का कार्य भी प्रारंभ किया है कि संस्कृत के साथ साइंस का जो योगदान हो सकता है विज्ञान को वो क्या दे सकता है, विज्ञान उसको क्या दे सकता है, तो इसको ध्यान में रखकर इन्होंने डॉट मार्क्स जो यूएसए में है वहां पर एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर स्थान ग्रहण किया। मेरे ख्याल से 3-4 साल हो चुके हैं और वहां पर ये नित्य कार्य करती रहती हैं, भारत से ही करती हैं, कभी कदा जाना होगा होता है। तो इनके समय समय पर विचार इधर उधर प्रकाशित भी होते हैं और सम्मेलनों में हम लोग सुन पाते हैं, तो आज इनको थोड़ा सा दिया गया है कि ये अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर प्रताप चंद्र राय हमारे साथ हमको दिखाई दे रहे हैं, जो 3 चर्चा के लिए विद्वान बुलाए गए हैं उनमें से आए हैं, ये सिद्धो कानो बिरसा विश्वविद्यालय पश्चिम बिहार पश्चिम बंगाल वहां पर है, और इनका इन्होंने अपना परिचय संक्षेप में मुझे भेजा था जो थोड़ा मुझे याद भी हो गया है क्योंकि मैंने भी इनको पढ़ाया है। तो ये जो हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वहां से इन्होंने वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की, दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए वेद की उपाधि प्राप्त की, फिर बंगाल में जाकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और वहीं पर तो विश्वविद्यालय मैंने अभी बताया जो कि 3 नामों पर है और कठिन से नाम है, ये बड़े प्रसिद्ध आदिवासी लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे और उनके नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी है सिद्धो कानो बिरसा विश्वविद्यालय। तो ये 3 लोग हैं, ये मुझे प्रताप ने ये परिचय दिया था विश्वविद्यालय का। तो इस विश्वविद्यालय में 9 साल से ये कार्य कर रहे हैं, वेद इनका मुख्य विषय है, इधर उधर वक्तव्य देते हैं, सम्मेलन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के, तो हम इनको सुनेंगे। विश्वजीत अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, विश्वजीत को हमने बुलाया हुआ है जो कि ओ बिल्कुल टाइम पर ये आते हो तुम पूरे विश्व को, ठीक है अभी तक बचपन तुम्हारा गया नहीं, हमारे साथ पढ़ते रहे एमए में प्रवेश और उर्मिल जी भी पहचान रही होंगी, और पीएचडी भी इन्होंने यहीं पे किया है दिल्ली में एमए और पीएचडी, और वेदालंकार के लिए शायद गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है और शुरू से इन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की है, ये इनकी एक और विशेष खास बात है। तो विश्वजीत भी 2-3 वर्षों से मुंगेर के विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये भी दिल्ली में नौकरी नहीं मिलने से चले गए, हमारे मतलब एक मेधावी छात्र जो चल जाके देश के दूसरे भाग से देश की सेवा में है, ठीक है उनकी अच्छी बात है। तो दोनों का स्वागत है, और तीसरे लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे प्रयाग नारायण, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां पर और वो भी वेद के विद्वान है, थोड़ा शायद देर से आएंगे उनकी कोई मीटिंग है,
और वो 12-13 किताबें भी लिख चुके हैं और लो आ चुके हैं हमारे सारे जो संगी साथी हैं ना भटकटपन उनका गया नहीं अभी तो अभी आपकी बात ही हो रही थी कि अभी इन लोगों का थोड़ा थोड़ा दोनों बीच के छात्र और टीचर दोनों के बीच का कार्य इनका चल रहा है तो आप भी हमारे बहुत वरिष्ठ विद्वानों में हैं युवा वैदिक विद्वान और जैसा कि मैंने बताया कुछ वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय में ही डायरेक्टली आप पढ़ा रहे हैं और 12 ग्रंथ आपने 5 या 4 PhD भी कराए हुए हैं करा दिए हैं और कार्य भी कुछ कर रहे हैं इसीलिए संकाय के आदमी में व्यस्त थे तो हम इन तीनों के विचार बाद में सुनेंगे और समीक्षक के नाम पर जो उर्मिल रुस्तगी और डॉक्टर उमेश सक्सेना जी के नाम रखे गए थे समय भाव से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है इसलिए समय का सबको ध्यान रखना है 6 बजे कार्यक्रम की समाप्ति की सूचना दी जाएगी ओवर हो जाएगा टाइम हमारा इसलिए अभी सबसे पहले मैं आप निवेदन करती हूँ अपर्णा धीर आप अपनी बात अपर्णा धीर नमो नमः आप सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और इस व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए भी मैं वेद संस्थान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जैसा कि व्याख्यान का विषय है वैदिक दृष्टि में स्वाध्याय इसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम सभी जानते हैं कि सब कुछ वेद से ही निकला है वेद में ही है लेकिन कुछ चीजें संहिता ग्रंथों में है और जब हम कहते हैं वैदिक दृष्टि तो उसका अभिप्राय यह है कि वैदिक विचारधारा को लेकर जो वेदों से आगे आने वाले जो ग्रंथ हैं जैसे कि ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद योग सूत्र गीता इत्यादि इन सब में वैदिक दृष्टि वैदिक विचारधारा को लेकर क्या क्या चिंतन हुआ है बात वही है जो वेदों ने कही है लेकिन उस पर एक नवीन रूप से या उसी की व्याख्या के रूप में हमें अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है तो यहाँ उसी प्रकार से मैं स्वाध्याय को लेकर भी चर्चा कर रही हूँ जैसा मैम ने अभी बताया स्वाध्याय शब्द के विषय में कि स्वाध्याय शब्द जो है वो 2 अक्षरों से जैसे बना है मिलकर स्वा और अध्याय स्वा से अभिप्राय आप कह सकते हैं कि जैसे अपना स्वयं सेल्फ ओन इस तरह की बात हम समझ सकते हैं उसका अर्थ एक शाब्दिक अर्थ और अध्याय को हम सिंपली अगर कहें तो अध्ययन करना या इंग्लिश में अगर समझना चाहें एक लेसन के रूप में जैसे हम कहते हैं पुस्तकों में ये अध्याय पढ़ लीजिए या इंग्लिश में कहते हैं चैप्टर पढ़ लीजिए तो उस रूप से लेकिन अगर हम अध्याय शब्द के रूप में जाएं तो ध्येय शब्द उसमें छिपा हुआ है ध्येय का अर्थ है मेडिटेट करना ध्यान करना तो ये एक तरह से मैंने सिर्फ यहाँ बहुत संक्षेप में स्वाध्याय शब्द की एक अर्थ बताने का यहाँ प्रयास किया है अगर हम इस तरह से अगर स्वाध्याय शब्द को ही जो हमने अभी तोड़कर बताया उसको अगर हम आपस में इकट्ठा समझें तो वो ये है कि स्वयं या अपने आप अध्ययन करना जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ स्टडी भी कह सकते हैं लेकिन अब प्रश्न ये आता है किसका अध्ययन करें वैदिक ग्रंथों को या जो हमारे वेद की संहिता ग्रंथ हमारे सामने है या गुरुमुख से जो हम विचार सुनते हैं या कहीं से भी हमें कोई अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं ऐसे जो ज्ञान में विचार हैं उनका जब अध्ययन हम करते हैं और स्वयं करते हैं ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमें पढ़ाया गया या हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं या हम बुक से पढ़ रहे हैं ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से पढ़ रहे हैं वो सभी का जब हम स्वयं अध्ययन करते हैं वही स्वाध्याय कहलाता है लेकिन स्वाध्याय के स्वरूप के विषय में यदि हम अपने ग्रंथों को देखें तो हमें सबसे पहले जो मुझे सबसे पहले मिला वो क्योंकि मेरा शतपथ ब्राह्मण पे ही PhD भी रहा है तो शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण के 1ादश कांड के 5वें अनुवाद के 6ठे ब्राह्मण के 3ठे कांडिका में मुझे सबसे पहले स्वाध्याय के विषय में मिला जहाँ उसके बारे में गौरवपूर्ण सिद्धांत स्वाध्याय के रूप में बताया गया है स्वाध्यायो अधितव्य ये कह के एक गौरवपूर्ण सिद्धांत है ये बहुत बड़ी बात की गई है कि स्वाध्याय करो अब स्वयं अध्ययन करना चाहिए लेकिन क्यों क्योंकि स्वाध्यायो वही ब्रह्मयज्ञ से तस्य स्वाध्याय अधीते तस्मात् स्वाध्यायो अधितव्य ये वहां पर सूत्र रूप में बताया है कि जो 5 महायज्ञ हम सभी जानते हैं 5 महायज्ञ भूत यज्ञ अतिथि यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ सभी जानते हैं इन 5 महायज्ञ को
उन 5 महायज्ञों में जो सब जो स्वाध्याय है शतपथ ने उसे ब्रह्म यज्ञ माना है, मतलब कि जो नॉलेज है वो सबसे परम यज्ञ है, उससे बड़ा यज्ञ कोई दूसरा नहीं है। उस ब्रह्म यज्ञ के रूप में जब हम स्वाध्याय की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत दिया गया है, वो है वाणी को जुहू, मन को उपग्रह, चक्षु को ध्रुवा, मेधा को श्रुवा और सत्य को स्नान मानकर उसके अंगभूत मानना चाहिए। अर्थात और वर्णन का क्या किया गया है कि जिस तरह हम पृथ्वी को चाहे कितने भी धन से भर लें, चाहे कितनी भी दान दे लें, चाहे कितनी भी दक्षिणा दे लें, लेकिन हम केवल इसी लोक को जीत सकते हैं, लेकिन जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है वो परम विद्वान होकर उस अक्षय लोक को जीत लेता है जो कि सामान्य धन आदि इत्यादि चीजों से नहीं जीता जा सकता। अब इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि स्वाध्याय के यहाँ एक तरह से 5 अंगों की बात की गई है। वो 5 अंग क्या है ध्यान से देखिए तो पता चलता है। पहले तो यहाँ यज्ञ के अंग के रूप में हमें जुहू पता चला, हमें उपभृत पता चला, ध्रुवा पता चला, श्रुवा पता चला और स्नान पता चला। जब तक हम ये 5 अंग हमारे पास हम ढंग से नहीं इनको प्रयोग में लाएंगे, हम यज्ञ करने के लिए भी अनुकूल परिस्थिति नहीं बना सकते। उसी तरह यदि हमारी वाणी और मन ये दो प्रथम 2 अंग हैं, यदि हमारा इस पर संयम नहीं है तो हम अगर हमारा मन खुद ही इधर उधर लगा हुआ है और वाणी भी कुछ का कुछ कही जा रही है और संयम पूर्वक नहीं चल हम उसको रख रहे हैं तो हमारी आंखें भी इधर उधर जाएंगी, हमारी बुद्धि भी इधर उधर जाएगी। तो इन 4 को एकाग्र कर जब हम कुशलता पूर्वक अध्ययन करते हैं, एक साथ आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं या गुरु के वचनों का मनन करते हैं तो उस समय हमें हम जो वो प्रक्रिया होती है वही अंग मिलकर हमारे स्वाध्याय में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अब 5वां जो अभी उसमें भी था, सत्य की बात उसमें भी आई थी यज्ञ के रूप में कि सत्य को उन्होंने स्नान माना है। जिस तरह स्नान किया हुआ व्यक्ति ही यज्ञ करने के लिए वो एकदम उत्तम माना गया है, अन्यथा नहीं, उसी तरह सत्य से ही स्वाध्याय पूर्ण होता है। कैसे? क्योंकि यदि हमें हर काम को सच्चाई से करना है, हम फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं कंप्यूटर के आगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें सच्चाई से नहीं जुड़े, हमारा मन इधर उधर है, हमने सबको एकाग्र भी कर लिया लेकिन फिर भी हमारी इच्छा नहीं है तो वो अध्ययन हमारा सफल नहीं है। इसलिए सत्य की भी भूमिका उतनी ही है जितनी बाकी अंगों की। तो इसीलिए कहा गया है कि अध्ययन के द्वारा सत्य के मार्ग को अपनाने से ही स्वाध्याय लाभदायक होता है। और इसीलिए आप तो अगर ध्यान दें तो जैसा मैम ने भी अभी थोड़ा बताया था, तैतृय उपनिषद की प्रथम वल्ली में जो ये आया है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायम अप्रमत्त, मैं समझती हूँ उन्होंने स्वाध्याय से पहले सत्य और उसके बाद धर्म और उसके बाद स्वाध्याय की बात जो कही है उसको ऐसे भी समझा जा सकता है। साधारण रूप से तो हम कह सकते हैं कि सच बोलो, अपना कर्तव्य का पालन करो और स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें तो मैं समझती हूँ कि स्वाध्याय वही कर सकता है जो सत्यनिष्ठ होगा। सत्य इसीलिए पहले सत्य पे बल दिया गया, उसके बाद उन्होंने धर्मम चर की बात कही है, जो बंदा कर्तव्य प्रायण होगा, कर्तव्य निष्ठ होगा, जिसको अपनी ड्यूटी का एहसास होगा, वही व्यक्ति जिसको पता है कि आज मुझे स्वाध्याय करना ही करना है, इनफैक्ट प्रतिदिन हमें एक स्वाध्याय करना है, तो सत्यनिष्ठ होना और कर्तव्य प्रायण होना ही स्वाध्याय के लिए अग्रसर होगा। और ऐसा व्यक्ति को स्वाध्याय करते हुए उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए, तभी उसका यज्ञ जो संपन्न होगा जिसे ब्रह्म यज्ञ माना है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय के विषय में यहाँ मैंने बात रखी। साथ ही शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की प्रशंसा के विषय में भी एक बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ स्वाध्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ लिया लेकिन पढ़कर अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया तो वो अपने आप में बहुत उसका कोई फल नहीं है, फल मतलब कि हमारा ज्ञानवर्धन नहीं होगा। तो स्वाध्याय के साथ साथ प्रवचन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय मतलब अध्ययन और प्रवचन मतलब अध्यापन, इसकी प्रशंसा के विषय में आया है। अधात स्वाध्याय प्रशंसा प्रिय स्वाध्याय प्रवचने भवतो युक्त मना भवत्य पराधीनो हर हर अर्थान अहर अहर अर्थान साध्यते सुखम स्वपिति परम चिकित्सक आत्मानो भवति इंद्रिय संयम च प्रज्ञा वृद्धि ही यज्ञो यशो लोक पंक्ति ही प्रज्ञा वर्धमाना। ये शतपथ ब्राह्मण एकादश कांड के पंचम अनुवाद के सप्तम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका है, जिसमें पुनः स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन के बारे में कहा गया है कि वह मननशील जो स्वाध्याय करता है और फिर वो उसके आगे प्रवचन करता है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, वो स्वाधीन हो जाता है,
प्रतिदिन धन कमाता है, सुख से सोता है, अपना परम चिकित्सक होता है, उसकी इंद्रियां संयम में रहती हैं, वे सदा एकरस रहता है, उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसके लोग उन्नति करते हैं। प्रज्ञा के बढ़ने से कारण वह ब्राह्मण संबंधी जो चार धर्म है उनको जानता है। वो क्या धर्म है? ब्रह्म कुल की नीति, जो नीति है अनुकूल आचरण, यश और स्वजन वृद्धि, ये सब वो जानता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो बात की गई है वो ये है कि खाली नॉलेज एक्वायर करना ही हमारी ड्यूटी नहीं है कि अपना अपना पढ़ लिया और हो गया। नहीं, दूसरों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना, उसको प्रतिदिन जो हमने आज सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएं, तो ही उसका स्वाध्याय का एक अलग से जो है वो और ज्यादा बढ़कर उसका हमें फल मिलेगा, हमें भी फल मिलेगा और सोसाइटी को भी फल मिलेगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो स्वाध्याय के लिए समर्पित व्यक्ति है वो उत्तम अध्यापक बनता है, क्योंकि उसने खुद इतना पढ़ा होता है कि वो दूसरों को अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन भी खुद चला सकता है, उसे वो किसी के पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है, अपनी स्वेच्छा अनुसार चल सकते हैं, और उसे अपना अच्छा बुरा भी प्रत्येक स्थिति में ज्ञात रहता है, क्योंकि वो हमेशा प्रतिदिन मननशील बना रहता है, जो उसने पढ़ा है उसका बार बार ध्यान दे रहा है। व्यवसाय भी ऐसे ही व्यक्ति के पास होता है, वो चिंता मुक्त होकर सुख से विश्राम करता है, वह स्वयं अपने ही शरीर का ध्यान रखने के कारण अपना ही परम चिकित्सक होता है, उसे किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं है, उसकी इंद्रियां खुद ही निग्रह में रहती हैं, क्योंकि वो स्वाध्याय करना है तो एकाग्र मन तो होना ही पड़ेगा, तो कंट्रोल्ड माइंड अपने आप ही रहेगा, उसका मन भी चंचलतावश भटकता नहीं है। स्वाध्याय में लीन व्यक्ति की बुद्धि जो है हमेशा विकासशील रहती है, निरंतर वो कुछ ना कुछ सीखती है, और क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी अपने आप बुद्धि की बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति का यश जो है दसों दिशाओं में अपने आप ही फैलता है, कहीं जाकर हमें बताने की या कोई एडवर्टीजमेंट की भी जरूरत नहीं है, खुद ही हमें सबको जब वो सबके साथ ज्ञान शेयर करता है तो नेचुरली उसकी दसों दिशाओं में यश बढ़ेगा। स्वयं के विकास के साथ साथ उसके जितने सगे संबंधी हैं वो भी अपने आप ही उन्नति करने लगते हैं, क्योंकि वो भी वही सब बातें जान रहे हैं और उसके और वो ज्ञान के प्रति जागरूक रहते हैं। और इस प्रकार से आचरण करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कुल का बल्कि समाज का और समाज के साथ साथ अपने देश का कल्याण करते हुए जो समस्त लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, धन, यश, उन्नति इत्यादि की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैदिक ऋषि ने स्वाध्याय के उपरोक्त सिद्धांत द्वारा मनुष्य को प्रत्येक क्षण जागरूक रहने का संदेश दिया है। मननशील व्यक्ति ही समाज की कुरीतियों से बचाकर देश को प्रगति की ओर ले जा सकता है। अतः जागरूक और जागरूकता का अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्य का बोध। वो केवल स्वाध्याय वाले जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है उन्हीं को ही ये बात का पता चलेगा, ज्ञान होगा। इसीलिए तैतृय उपनिषद में पुनः उसी स्थान पर दोबारा से आगे कहा गया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितत्वाभ्याम, मतलब स्वाध्याय और प्रवचन दोनों से ही प्रमाद नहीं करना चाहिए। पहले खाली उन्होंने स्वाध्याय की बात की, बाद में उन्होंने उसके साथ प्रवचन को भी रखा, लेकिन ये तो एक अर्थ हुआ। जितनी अभी हमने बात की वो सिर्फ हमने वो बात की कि जो हम पढ़ते हैं या गुरु के वचनों से सुनते हैं या कोई और ऐसे वचन जो हमारे लिए अच्छे हैं, जिसका हमें ग्रहण करना चाहिए, जिसके बारे में हमें निरंतर सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको स्वाध्याय को दूसरे फिलोसॉफिकल अर्थ में देखें तो भी समझा जा सकता है। अभी तक जो मैंने बताया वो सेल्फ स्टडी की बात थी, जिसमें कि हम खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय का दूसरा रूप अगर हम देखें, अगर हम इसको इस तरह से समझें, स्व मतलब अपना मतलब स्वयं, अध्याय मतलब अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना, अपने अपना अध्ययन करना जिसे हम स्टडी सेल्फ कह सकते हैं, या अपने आप को पहचानना जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, तो स्वाध्याय का ये दूसरा अर्थ भी निकलता है। लेकिन उसको करने से होगा क्या? अभी तक हमने स्वाध्याय की प्रशंसा करके देश और समाज की उन्नति तो की बात तो कर ली, लेकिन अगर हम खुद का अध्ययन करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तब क्या होता है? उससे क्या होता है, हम अपना खुद का नेचर पहचानते हैं, उसको अपने नेचर को समझते हैं, अपनी कमियां, अपने राग द्वेष, अपनी आसक्ति, वो सब हमारे हाथ में होता है। हम उसको दिन प्रतिदिन समझकर, डेली उस पे चिंतन कर उसको ठीक कर सकते हैं, उसको और कल्याणकारी बना सकते हैं सबके लिए, तभी तो हम देश और कुल की बात करेंगे। तो इसलिए स्वाध्याय अपना अध्ययन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें स्वाध्याय की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसके लिए हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है, जहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में ये बात सभी जानते हैं, जहाँ स्वाध्याय करने की उन्होंने विधि बताई गई है, प्रक्रिया बताई है। उसका तरीका है श्रवण, मनन, निध्यान सब। ये तीन मेजर स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उनको क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि श्रवण का मतलब तो जिस तरह से अभी हमने वेद के ग्रंथों की बात की, वैदिक
समिता उनकी बात की जो सारा श्रुति परंपरा से ही हमारे पास उपलब्ध था और आज हम उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो तो श्रवण परंपरा से सबने सुन लिया। यदि श्रवण परंपरा से सुनकर सबने उस पर मनन ना किया होता और मनन करके यदि निंध्यासन ना किया होता तो आज ये परंपरा हमारे पास इस रूप में उपलब्ध नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है, और जो इतने ग्रंथ हमारे सामने बाद में उपनिषद आरण्यक और सब कुछ बना, वो सब इसीलिए बना क्योंकि जितना श्रवण किया गया था उन पे मनन करते हुए, उनके ऊपर तर्क संगत उनका जो जैसे वो होता है कि वाद विवाद करके डिस्कोर्सेस के थ्रू, संवाद के थ्रू उस चीज को समझा गया, उस पर रीजनिंग दी गई, उस पर डिस्कशंस किए गए और ध्यान पूर्वक जिस ध्यान करते हुए उस नॉलेज को विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शाखाओं में इस तरह से बढ़ाया गया, वो सब स्वाध्याय का ही रिजल्ट है। और जिसके लिए मैं समझती हूँ कि मनन को अगर आप यदि कहें तो मनन एक सोचने की शक्ति जिसको हम पावर ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, और निंध्यासन का मतलब मैं समझती हूँ शायद सोचने का तरीका, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो ये दोनों चीजों को अगर हम पैरेलल लेके चलते हैं तो ही जो हमने हमारा सुना हुआ ज्ञान है वो फलदायक होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब वेद या गुरुमुख या किसी अन्य के द्वारा सुने गए जो विचार हैं, उन विचारों पर चिंतन, निरंतर ध्यान की अपेक्षा होती है। और यहाँ अध्ययन से अभिप्राय पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। अध्ययन जो हमने वचन वहां वेद में पढ़े या हमने यहाँ पर जो अपने अपने चरित्र को देखकर भी समझा, आत्मविश्लेषण भी जो हमने किया, उन सब पर कलेक्टिवली जो दो मैंने दो तरह के बताए हैं स्वाध्याय का अर्थ, उन दोनों पे स्टडी सेल्फ या सेल्फ स्टडी दोनों पे हमें श्रवण मनन और निध्यासन की जरूरत है। उसी के द्वारा स्वाध्याय हमारा फलदायक है, कल्याणकारी होगा। लेकिन अब श्रवण मनन निध्यासन भी कैसे संभव है? कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। तो उसके लिए वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमने सुन तो लिया, हमारी क्लास में भी टीचर जब हमें पढ़ाती थी हम सुन तो लेते थे लेकिन घर आते तक भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता था। तो हमारे पास वेद में ऐसे कई विचार हैं जिसमें मन को किस तरह से शांत और अपने रखा जाए अपने कंट्रोल में, उस तरह की बातें हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अधिक मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति प्रति एवरी ह्यूमन बीइंग वो जो है षड रिपुओं के द्वारा घिरा हुआ है और उन्हीं को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। वो छह रिपु हम सभी जानते हैं जिनके कारण हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार निरंतर बदलता रहता है और कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, और हम उसके कारण हम कुल समाज और देश सभी को कहीं ना कहीं कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं, तो सभी उससे प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे षड रुकु जो हैं, काम सभी जानते हैं, हर तरह की डिजायर सबके मन में होती है लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका बैलेंस कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। इसी तरह क्रोध भी क्यों होता है हमें? क्योंकि हमारा जो एक्सेप्टेंस का नेचर है हम उसको छोड़ देते हैं, हम हर चीज पे क्रोधित होना शुरू कर देते हैं, हमें हर चीज जो हमारे को ईश्वर के रूप में ईश्वर के ईश्वर से मिल रही है हमें उन्हें हंसकर एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने एंगर को, अपने जो क्रोध है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी वो संभव है। इसी तरह लोभ की बात है, लोभ में ये जैसे यहाँ कहा गया है कि संतुष्ट रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितना कुछ हमारे पास है उसमें ही परम संतुष्टि का यदि अनुभव करेंगे तो किसी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जो मन जो है वो भी इतना इधर उधर नहीं होगा। उसी तरह मोह की बात है, अफेक्शन एंड अटैचमेंट होना भी बहुत नेचुरल है लेकिन वो भी एक कंट्रोल उसमें रहना चाहिए। एक इंसान को अपने इमोशंस पे टोटली कंट्रोल रहकर ही अपना बिहेवियर जो है व्यवहार करना चाहिए। मद की बात हुई, हमें अपने बिहेवियर में कहीं भी ईगो, एरोगेंस जो हम कहते हैं अहंकार को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जहां हम अहंकार करने लग जाते हैं, इस पे आपको पता ही है गीता में कितनी बातें इस पे कही गई हैं। मैं यहाँ किस सारी बातों को नहीं ले रही हूँ लेकिन बस एक संक्षेप रूप में सारी चीजों का पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो प्राउड है, जो हमारे अंदर ईगो अहंकार आ जाता है, उससे हमें दूर रहना है। मत्सर की बात है, जो हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। जहां भी हम ईर्ष्या करते हैं और वहीं हमारा मन जो है और बुद्धि जो है दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, और हम शायद मनन चिंतन जो हम करना चाहते हैं कल्याणकारी समाज के लिए, समान के लिए, वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इसलिए हमें सब में एकत्व भाव देखना है। एकत्व भाव पर हमारे उपनिषदों में बहुत कुछ कहा गया है, हम सभी जानते हैं। उस एकत्व भाव का चिंतन करते हुए यदि हम अपने जो हमारे छह ये रिपु हैं शरीर के, उन सबको
शरीर के क्या, हमारी आत्मा बुद्धि मन सभी उसमें जुड़े हैं, जो हम एक प्रत्येक एक इंडिविजुअल के जो 6 रुकू हैं उनको कंट्रोल में करेंगे और उस एकत्व भाव का चिंतन करेंगे तो हम स्वाध्याय की ओर अग्रसर होंगे। जितना स्वाध्याय की ओर अग्रसर होंगे उतना ही हम प्रवचन कर पाएंगे और जितना प्रवचन कर पाएंगे उतना ही हम समाज और देश के आगे के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। तो लेकिन ये सब चीजों को कंट्रोल में करने के लिए हमें योग सूत्र ने खुद ही कहा है, बताया है अपने द्वितीय सूत्र में कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, योग के द्वारा अपने आप को बैलेंस करके यदि हम चलते हैं तो हमारे चित्त की वृत्तियों को हम रोक सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और इस तरह जो व्यक्ति कर पाता है वही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को एक डेवलप, जिसको हम कहते हैं, अपने आप को बढ़ा सकता है आगे और अधिक बेटर बना सकता है और अपनी बुद्धि और अपने अहंकार उन दोनों को अपने कंट्रोल में भी रख सकता है। बुद्धि तो हमें बढ़ानी है पर अहंकार हमें कंट्रोल करना है। और इन सब चीजों को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़े तो भी मैं समझती हूँ कि हमें बहुत अधिक समय इस कोरोना के टाइम में भी मिला अपने आप को समझने का और कई लोगों ने समझा भी इस बात को। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने कि अपने जिन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए सोचा कि हम कहाँ गलत थे, हमें क्या करना चाहिए आगे फ्यूचर में, तो ये सब चीजें भी स्वाध्याय का ही हिस्सा है। और मैं समझती हूँ जो वेद में हमारी वो जो परंपरा है स्वाध्याय की, वह परंपरा आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, आज भी उसका महत्व खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे हम कई बार कहते हैं ना इस कोरोना काल में उसने चाइना ने एनिमल क्या खाए या क्या खाया, जो भी बात है, तो वो सब इंट्रोस्पेक्शन करने से ही उनको एहसास हो रहा है कि हमने क्या किया, किसने क्या गलतियां की, तभी आज ये समय आया। तो ये सब इस तरह से स्वाध्याय को है, छोटा सा सूत्र लेकिन बहुत बड़े से रूप में उसको जाना जा सकता है। तो स्वाध्याय के अंत में बस स्वाध्याय के महत्व के विषय में मैं आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि स्वाध्याय जो है, जैसे हर प्रत्येक व्यक्ति के एक गोल है लाइफ का, जो सभी का है गोल, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो सिद्धि है, पुरुषार्थ सिद्धि जिसे हम कहते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। और उसी को करने से हम हेल्दी भी रह सकते हैं, उसकी सिद्धि जब हमें होती रहती है तभी हम हेल्दी भी रह सकते हैं और हैप्पी भी रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ वर्ड भी इसी से बना है, अपने आप में स्थित रहना। अपने आप में स्थित रहने का मतलब ही है अपने आप को पहचानना। तो इस तरह से जैसा मैंने भी कहा था कि स्वस्व सब कितने शब्दों के आगे लगा रहता है, वो इसीलिए रहता है कि हर चीज का चिंतन मनन हम ही सब कुछ करना है, हम ही उसके लिए जिम्मेवार है, कोई दूसरा नहीं। इस चीज को ध्यान में रखना है हमें। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि स्वाध्याय और जो प्रवचन है वो कुछ और नहीं, एक तरह की तपस्या है। जैसे अभी हमने ब्रह्म यज्ञ तो उन्हें कह ही दिया शतपथ ब्राह्मण में, पर अगर हम जर्नली भी अगर उन्हें समझना चाहें, वो कुछ और नहीं है, तपस्या है। उनको एक गुण के रूप में देखना चाहिए और इसी बात को गुण के रूप में मानते हुए तैतृयारण्यक में भी स्वाध्याय अधितव्य का प्रयोग मिलता है। उसी तरह श्रीमद्भगवद गीता भी यदि हम देखते हैं उसके 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक जो है, उसमें भी कहा गया, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न व्यक्ति हैं, उनके जो जितने गुण होते हैं उनमें से एक गुण जो है स्वाध्याय भी है। वो सभी गुण वहां पर उन्होंने 2-3 श्लोकों में लगातार बताए हैं और वो उन श्लोकों को उनको जब आप पढ़ेंगे तो स्वाध्याय उसमें से पहले ही श्लोक में उन्होंने मेंशन किया है कि आगे के गुण तो तभी कोई हासिल करेगा जब उसके अंदर स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय करने की इच्छा होगी। तो और इसी बात को जो है पतंजलि योग शास्त्र में भी कहा गया, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, वहां पर भी यही बात है। और ये बात उन्होंने जो अष्टांग योग के नियम प्रसंग के का है वर्णन, वहां पर उन्होंने इस बात के स्वाध्याय को एक तरह का नियम के रूप में बताया है। तो इस हम यहाँ कह सकते हैं कि स्वाध्याय करने से वाला व्यक्ति ही अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकता है, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकता है, ब्यूटीफुल बन सकता है, जैसे कि अपनी कर्तव्यों के का बोध उसे हो सकता है। वही व्यक्ति आसपास की चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकता है। बहुत सी लर्निंग तो हमारी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके होती है और वो ऑब्जर्व तो तभी हम कर पाएंगे ना जब हमारा मन एकाग्र रहेगा। और जिसने सब कुछ ऑब्जर्व किया हुआ है, जिसने सब कुछ समझा हुआ है, जो कर्तव्य प्राण है, ऐसा व्यक्ति ही कॉन्फिडेंट भी रहेगा और वही व्यक्ति सच भी बोलेगा। और इसी तरह वो अपने हर चीज का उससे ज्ञान होगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या बुरा अच्छा कर रहा हूँ। तो स्वाध्याय केवल छोटा सा गुण नहीं है, उससे जुड़े हुए सभी गुण हैं। यही बात का उल्लेख जो मैंने अभी भगवद गीता का बात कही वो यही थी। अंत में केवल यहाँ पर लास्ट में ये है बात कि अभी जितनी मैंने चर्चा की स्वाध्याय के विषय में, तो मुझे इसके 3 रूप समझ कर आए हैं कि पहला तो वेदों का स्वयं अध्ययन करना,
वेद कह लीजिए या जो आपके अपने ज्ञान की किताबें हैं, मैं गुरु के वचन है, जिनको भी आप पढ़ते हैं उनका स्वयं भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरा मैं स्वाध्याय का रूप है आत्मविश्लेषण करना, आत्मचिंतन करना, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो जितना हमने चिंतन किया है, जितना हमने पढ़ा है, उन सबको दूसरों तक भी पहुंचाना, प्लस अपने व्यवहार में भी उसको लाना, ढालना, उसके अनुरूप आचरण करना। तो अंत में कहना उचित होगा कि जीवन जो है एक समुद्र के रूप में और जो स्वाध्याय है वो एक नौका के रूप में है। ये जीवन इतना वेगशाली है और इतना भयंकर समुद्री लहरों से भरा हुआ है। वो लहरें कोई और नहीं, वो कठिनाइयां हैं, वो बुराइयां हैं, उनको पार करने के लिए स्वाध्याय ही एकमात्र नौका है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जीडू कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने भी कहा है हम सबको अपना टीचर स्वयं बनना है, हम सबको अपना गुरु खुद ही बनना है और खुद ही समझना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने चाहे कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया हो, जब तक हम उसे आत्मसात नहीं करेंगे, आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे काम का नहीं है। इसीलिए बाहर के ज्ञान को भी जब खुद से चिंतन करने पर ही ग्रहण किया जाता है, वही स्वाध्याय है। धन्यवाद। हमने देखा कि अपर्णा ने किस तरह से सीमित समय में असीमित अर्थों को हमें बताया स्वाध्याय के संदर्भ में, और ये सारी जितनी भी बातें हैं मुझे जहां तक मैं जानती हूँ सब प्रामाणिक हैं, शास्त्रानुकूल बातें कही गई हैं। और आपको ध्यान आ रहा होगा पतंजलि योग सूत्र का साधन पाठ का पहला सूत्र तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि, जहां पर स्वाध्याय को क्रिया योग का सेकंड साधन बताया गया है। तो वही बात है कि उसको केवल अध्ययन नहीं करना है, उसको बताना है, उसको अपने आचरण में भी लाना है और उससे अहंकार को अपने को दूर भी करना है, इत्यादि जितनी बातें इन्होंने बताई। मुझे अधिक तो कुछ कहने का समय भी नहीं है। अब मैं बुलाती हूँ जो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं सिद्धो कानो बिरसा विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रताप चंद्र राय, अपनी बात को यहाँ संक्षेप में 5 मिनट में रखेंगे, ऐसा उनसे मैं निवेदन भी करूंगी। और तुम्हारी ये भी खूबी है कि समय और कम समय में कैसे अधिक से अधिक बात कर सकते। जी मेरी आवाज आ रही है? बस ठीक आ रही है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समय बहुत कम है इसलिए संबोधन में ज्यादा ना जाता हुआ मैं सभी को एक साथ ही नमस्कार प्रणाम नमस्ते करते हुए मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी वाणी को रखूंगा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के जो व्यवस्थापक या संचालक है उनका मैं हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आज के इस अनुष्ठान के लायक समझा है। आज के इस अनुष्ठान के जो मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर अपर्णाधीर मैडम है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सहज और सरल ढंग से कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। अब मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तथापि कहना है बस। मैं उन्हीं की एक दो बात लेकर के आगे बढ़ना चाहूंगा। स्वाध्याय शब्द का शब्द के कई सारे अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि स्व स्व यानी कि अपनी अपनी जो शाखा है वेद की शाखा है उस शाखा का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है, लेकिन मुख्य रूप से अगर यदि हम स्वाध्याय शब्द का अर्थ वेद लेते हैं तो वेद वेद वेदी है वो स्वाध्याय, वेद को ही कहते हैं स्वाध्याय। और दूसरा अर्थ जो मैडम ने कहा है कि स्वाध्याय का अर्थ दूसरा अर्थ है ब्रह्म यज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ क्यों कहते हैं मैं इस पर थोड़ा सा बस बताना चाहूंगा। स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ ऐसा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ब्रह्म यज्ञ क्यों है स्वाध्याय? क्योंकि ब्रह्म शब्द के वैसे तो कई सारे अर्थ है,
लेकिन ब्रह्म शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान, ज्ञान हम किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं वेद को, वेद है ज्ञान, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का मूल स्रोत। इसलिए महर्षि दयानंद ने सब सत्य विद्याओं का जो भंडार है, पुस्तक है, वो वेद को कहा है। एवं महर्षि दयानंद जी ही नहीं है, मनु महाराज को अगर लेते हैं, वेद तो कहा है सर्व ज्ञानमयो ही सह, सह का मतलब है यहाँ वेद। तो ज्ञान, तो उस ज्ञान को, और हम इस वेद को, इस ज्ञान को जो है अपौरुषीय मानते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार अपौरुषीय मानते हैं। अपौरुषीय मानने से क्या होता है कि ये ज्ञान जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होने के कारण इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता हमारे जीवन में सबसे अधिक है। जिस तरह से ईश्वर द्वारा प्रदत्त सूर्य है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, इन तत्वों की उपयोगिता हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे समाज में जिस तरह से उपयोगिता है, उसी तरह से ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान, ये स्वाध्याय होने से उतनी ही उपयोगिता है जितनी सूरज की, जितनी जल की उपयोगिता है। इसलिए स्वाध्याय अध्येतव्य, स्वाध्याय अध्येतव्य, ऐसा वाक्य हमारे शास्त्र में बहुत जगह सर्वत्र मिलता है। क्यों? मैडम ने कहा है कि मैं उधर नहीं जाता, बहुत वैसे तो लंबा विषय है, कहने के लिए बहुत कुछ है, संक्षेप में कहना, 5 मिनट टाइम है, मैं दो चार बातें केवल बताना चाहूंगा। स्वाध्याय इसलिए करना है क्योंकि इसके कई सारे लाभ है, और हम सबको मालूम है जो आर्य समाज है, जो गुरुकुल पद्धति है, उन गुरुकुलों में ये जो स्वाध्याय है या जो ब्रह्म यज्ञ है, इन दो शब्दों से बहुत अच्छी तरह से परिचित कराया जाता है उनको। क्योंकि गुरुकुलों में, जब मैं गुरुकुल में जब पढ़ता था, तब वहां ये ब्रह्म यज्ञ जो है वो दो तरह से कराया जाता है। ब्रह्म यज्ञ का एक अर्थ होता है वैदिक संध्या, जिस जो दिन में दो बार करना होता है, सुबह और शाम, और दूसरा अर्थ होता है वेद का अध्ययन हर रोज, टाइम टू टाइम, जिस समय जो वेद मंत्र पढ़ना होता था वो पढ़ना ही होता था, घंटी बजती थी, हम दौड़ के जाते थे और वेद मंत्र उच्चारण हुआ करता था। तो ये सिस्टमेटिक गुरुकुलों में, आर्य समाज में ये स्वाध्याय का, स्वाध्याय होता है, यानी कि अध्ययन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके विषय में भी शास्त्रों में कहा है, जो मैडम ने नहीं कहा है, शायद उन्होंने छोड़ दिया हो टाइम के अभाव में, या फिर उनसे छूट गई है शायद ये बात। क्योंकि ये जो वेद है, इस वेद को बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी उपमा के साथ, अलंकार के साथ यहाँ वर्णन किया गया है कि जो ऋग्वेद है, अगर उसके हम, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो कहते हैं कि जो ऋग्वेद है वो पयह क्या होती है, ये ऋग्वेद का पाठ करने से देवताओं के पास ऑटोमेटिक जो है पयह क्या होती पहुंच जाती है, और देवता खुश हो जाते हैं। खुश होकर के फिर वो लोग क्या करते हैं, देवता उस व्यक्ति को जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, तो उसे योगक्षेम प्राण, योगक्षेमेनो प्राणेनो रेतसा सर्वात्मना सर्वा भी पुण्य भी संपद भी तर्पयन्ति, अर्थात योगक्षेम प्राण तेज आत्मविश्वास और पुण्य संपत्ति इत्यादि मिलते हैं। इसी तरह से यजुर्वेद के अध्ययन करने से जो घृत की आहुति है वो ऑटोमेटिक देवताओं के पास पहुंच जाती है और देवता खुश हो जाते हैं, फिर वही चीजें मिलती है। इसी तरह से सामवेद की उपमा जो है सोम की आहुति से की गई है, अथर्ववेद की अमृत से, इस तरह से हर एक शास्त्र की कल्पना जो है इस प्रकार आहुतियों से की गई है। इसलिए जो चार वेद है, इसके साथ साथ जो ब्राह्मण इतिहास पुराण गाथा नारायण से है, इनके भी उपमा दी गई है। तो इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन हमें नित्य प्रति करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा एक मार्ग है, रास्ता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर, सुखी और आनंदित बना सकते हैं, समाज को आनंदित बना सकते हैं, देश को सुधार सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। जब तक नदी में जल बहता है, तब तक नदी का जल जो है पवित्र रहता है, परिष्कार रहता है, स्वच्छंद रहता है। जिस दिन नदी का प्रवाह बंद हो जाता है, धारा रुक जाती है, गति रुक जाती है, नदी का जल जो है ना वो गोला हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी तरह से हम यदि रोजाना अहरह की बात की गई है यहाँ, अहरह स्वाध्याय मति से, हर रोज यदि हम स्वाध्याय करें, इस स्वाध्याय का स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी तरह स्वच्छंद रहेगा, सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, हमें मार्ग में कोई तकलीफ या कोई समस्या नहीं आएगी।
कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप चंद्र राय, बहुत बहुत बधाई और शाबाशी तुमको, इतना अच्छा और इतना स्पष्ट बोल रहे थे और मैं हर्षित हो रही थी। और ये उन्होंने समय में अपने को बांधते हुए इतनी बड़ी बड़ी बातें छोटे समय में कही हैं, और हमें हम सब लोगों को बहुत समझ में आ गया है कि कितना मेधावी छात्र हैं, और ये इनसे आगे हम काफी आशाएं करेंगे और करते रहेंगे। अब मैं बुला रही हूँ मुंगेर विश्वविद्यालय से, जो बिहार में है, विश्वजीत विद्यालंकार, डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार। ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करके और वहां जाके इन्होंने प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया है, और अभी 2 साल से अभी विभागाध्यक्ष का कार्य भी देख रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल में ही एक आयोजन किया है। तो विश्वजीत, आपको भी 5 मिनट का समय कृपा करके उतने का समय में अपनी बात रख। धन्यवाद मैम। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमुतं नान्या पंथा विद्यते अनाया। परिचर्चा सत्र के आयोजक प्रतिष्ठान आदरणीय गुरुवर्या तिवारी मैम एवं सभी प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर अपर्णा धीर मैम, हमारे क्लासमेट प्रताप चंद्र राय जी एवं सभी श्रोतागण, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं स्वाध्याय के ऊपर कुछ अपना चिंतन प्रस्तुत करूं। जैसा कि प्रारंभ से आप लोग सुन रहे हैं, अपर्णा मैम ने और उसके पश्चात प्रताप चंद्र राय ने, आप दोनों के द्वारा वैदिक, एक तरह से कह लो साहित्य या वैदिक दर्शन, उसमें स्वाध्याय का जो स्वरूप था सब कुछ प्रस्तुत कर दिया। जैसा कि मुझे 5 मिनट का समय मिला है, तो मैं इसमें स्वाध्याय के व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करना चाहूंगा। आखिर स्वाध्याय हम करें किसका? आदरणीय रॉय जी ने या धीर मैम ने जैसा कि कहा कि कुछ लोग या अर्थ के आधार पर हम चले, तो वेदों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहा गया है। कुछ लोग अपने जो परंपरा के जो उनके शास्त्र थे उनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहा है, स्वीकार किया। अब उसी को वर्तमान समय में यदि हम लागू करते हैं, तब हम लोग जिस भी अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर डॉक्टर हैं तो चिकित्सा के क्षेत्रों के ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, इंजीनियर हैं तो अभियंता के क्षेत्र के ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, अगर हम अध्यापक हैं तो नित्य नवीनता के साथ जो भी शिक्षा से संदर्भित नियम नीति एवं उसके अध्यापन कौशल से संबंधित जो योग्यता अर्जन है उसका स्वाध्याय और उसका जीवन में अनुपालन आवश्यक है। जैसे अगर हम विगत कुछ वर्षों में जाएं, तो एक अध्यापक चाहे कितना भी योग्य क्यों न रहा हो, कितने भी ग्रंथों के रचयिता, प्रणेता अथवा उसके प्रस्तोता क्यों न रहे हो, लेकिन इन विगत वर्षों में जिन्होंने स्वयं को वर्तमान तकनीकी प्रगति से जोड़ा नहीं, उसमें स्वाध्याय नहीं किया, उसका स्वाध्याय नहीं किया, वो आज पिछड़ने की कगार पे पहुंचने वाले थे। लेकिन वे, आप कह सकते हैं कि नियति का एक विधान देखिए कि कुछ विश्वविद्यालयों में नैक जैसी व्यवस्था के कारण उस तकनीक का स्वाध्याय किया गया, तो कुछ विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों में एवं कुछ छात्रों के द्वारा इस महामारी, जो कोरोना रूपी महामारी है,
उसने उनको तकनीकी युक्त बना दिया। तो स्वाध्याय वास्तव में किसका करें, सबसे पहले इसका चिंतन करते हुए अगर हम देखेंगे कि जो आपका है, जो आपका अपना है, अपना का मतलब जिस व्यवसाय में हैं आप, जो आपकी अभिरुचि है, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उस विषय का नियमित स्वाध्याय करें। आप देखिए कि एक अफसर जो कि प्रशासन के पद पर बैठा हुआ होता है, सबसे ज्यादा सफल कौन होता है, जो नित्य नवीन होती घटनाओं से स्वयं को स्वाध्याय युक्त रखता है, उसमें उसकी गति होती है। एक राजनेता जो स्वाध्याय करता है, अब राजनेता वैदिक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेगा, वो चिकित्सा के क्षेत्रों का स्वाध्याय नहीं करेगा, वो जनता की आवश्यकताओं का स्वाध्याय करेगा, वो जनता के समस्याओं का स्वाध्याय करेगा। यह है स्वाध्याय की पद्धति, और इस पद्धति का जिसने भी निरंतरता से पालन किया है, कहते ना स्वाध्यायो मा प्रमादितव्य, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो वही मैं अपने विद्यार्थियों या जितने भी हम सब अध्यापन के क्षेत्र में हैं, अगर हम उसमें प्रमाद नहीं करेंगे, उसमें हम निरंतरता से स्वाध्याय करेंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी। मेरे इसमें बहुत सारे गुरुजन हैं, मैं एक निवेदन करूंगा कि इस कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर फोन करके और निराशा पूर्वक कहते थे, सर क्या करूं, मैं घर बैठी हूं, घर बैठा हूं। मैं उनको एक ही कहता था, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, हम लोगों के समक्ष तो काल क्रम से बंधा हुआ 10 महीना होता है, सेमेस्टर में 4 महीना, इसमें ही सब कुछ पढ़ना है। अरे आपको तो सुअवसर मिला है, आप क्यों नहीं इसको एक सफलता के लिए आशीर्वाद मानिए, और उस दशा में स्वाध्याय। स्वाध्याय इसी अवस्था का नाम है, स्वाध्याय से कार्य कुशलता बढ़ती है, स्वाध्याय से आत्मविश्वास आता है, स्वाध्याय से तर्क क्षमता बढ़ती है, स्वाध्याय से विवेक होता है। और अंत में मैं समय का पालन करते हुए केवल एक ही अंतर बताऊंगा, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तप करते हैं यानी जब हम अपना सर्वस्व समर्पित करके तपस्या करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में स्वाध्याय करे, तो उससे अहंकार भी उपज सकता है, लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वयं को जानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, ऐसे ऐसे लोग स्वाध्याय से एक निश्चल शांत प्रवृत्ति के ज्ञानी बनते हैं। तो इस स्वाध्याय की महत्ता ऐसी है, और वही बात वही है, आपका जो अपना है, आपका जो अपना है, वैदिक काल में वेद था, वर्तमान काल में आपका अपना फील्ड है, तो आप हम सब उसकी करें। और अंत में मैं केवल यही कहूंगा, मुझे पंक्ति स्वाध्याय से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, अक्सर मैं इसको बोलता हूँ कि कारवां स्वाध्याय से पहले क्या होता है, कारवां अजनबियों का था, अब हमें अपना हो जाने दो, गुप्तगु करूं मैं खुद से, खुद में ही खो जाने दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत विद्यालंकार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत रोचक, बहुत हार गर्भी, समय का पूरा ध्यान रखते हुए। अब आज यहाँ ये हम जो बड़े लोग हैं उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि कैसे समय का पालन करते हुए ये बच्चे बिल्कुल अपने अच्छे से अच्छी बात को छोटे समय में कह रहे हैं। और अब हम बुला रहे हैं डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी को, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में है इस समय, और वेद के अच्छे विद्वान हैं, उनको भी 5 ही मिनट का समय दे पा रहे हैं हम, और आप से यही आशा करते हैं कि कुछ सारगर्भित बात हमारे समक्ष रखेंगे। प्रयाग नारायण मिश्र। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। इस ऑनलाइन संगोष्ठी की अपनी सभाध्यक्ष और गुरु प्रवरा को प्रणाम करके और अन्य सभी सभ्यों को सादर प्रणाम करके मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि समय की बहुत ही अल्पता है। इस समय हम सभी लोगों ने वेद के मंत्रों के माध्यम से ही सुना है
यस्तित्याज सखिविदं सखायं यस्तित्याज सखिविदं सखायं सतस्यापि वाच्यपि भागोस्ति यदि शृणोत्यनेकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पंथम्। यः कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुनः परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयं हिसः सर्वज्ञानमयो हिसः इत्यादि रूप में सर्वज्ञान में वेदों के अध्ययन और अध्यापन की परंपरा जो हमारे ऋषियों के द्वारा हमारे गुरुओं के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है वो चिरंतन रूप से शाश्वत रूप से उसका प्रवाह चलता रहे और लोक कल्याण का संपादन करता रहे। इसके उद्देश्य से पंच महायज्ञों के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ के रूप में स्वाध्याय को प्रतिष्ठा प्रदान की गई वैदिक काल में। हम उस स्वाध्याय का जो अपना पारिभाषिक अर्थ है उस पर बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है अतः उसकी आवश्यकता नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि ये हम सभी लोग जो अपनी अपनी दृष्टि से स्वाध्याय को परिभाषित कर रहे हैं उन सभी के मूल में वेद और वैदिक ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है उसका निहित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो चतुर्दश विद्या स्थानों की बात है या जो अष्टादश विद्या स्थानों की बात है उन सबका परिगणन स्वाध्याय के अंतर्गत हमारे शास्त्रों में चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो चाहे वो तैत्तरीय आरण्यक हो चाहे वो आश्वलायन गृह सूत्र हो चाहे वो आपस्तंभ धर्म सूत्र हो इनमें सब में विस्तार पूर्वक किया गया है और उनमें जिन जिन विद्याओं का परिगणन करा दिया गया है हम समझते हैं कि आज ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है ज्ञान विज्ञान का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो उसके अंतर्गत समाहित नहीं आ जाता हो जाता है। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता इत्यादि के रूप में आप जानते हैं कि जो चतुर्दश विद्या की बात है या चार उपवेदों को जोड़ करके जो अष्टादश विद्याओं की बात है तो उसमें हमारे वेद हमारे वेदांग हमारी अन्य विद्या जिसमें हमारी सर्प विद्या देव यज्वा इत्यादि विविध प्रकार की विद्याओं का संग्रहण किया गया था। स्मृति ग्रंथों में इसीलिए कहा गया था कि वेदार्थ वेदाथर्व पुराणानि सेति हासान शक्तिताः जपयज्ञं प्रसिद्ध्यर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत। आध्यात्मिकी विद्या को वहां पर बल प्रदान किया गया था। आध्यात्मिकी विद्या के साथ साथ ये जो वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान के विषय हैं जो मनोवैज्ञानिक विषय हैं जो समाज शास्त्रीय विषय हैं जो अर्थशास्त्रीय विषय हैं उन सभी विषयों का समावेश हमारे वेदाध्ययन के अंतर्गत वेदों के अंतर्गत उनको किसी न किसी रूप में समाहित किया गया था। आज समाज में इस बात के लिए सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम स्वाध्याय को केवल सेल्फ स्टडी तक न रखें। हम थोड़ा सा अपना मत हट करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है हम चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो हमारा अपना अध्ययन स्वाध्याय है परंतु यदि हम अपने समाज को ये बताने में सफल हो पाएं कि ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय हैं चाहे वो गणित हो चाहे वो जीव विज्ञान हो चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो चाहे वो विमान शास्त्र हो इन सबके जो मौलिक बिंदु हैं वो हमारे वेदों में वेदांगों में और अन्य जो हमारे पुराण इतिहास इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें समाहित है। इसीलिए महाभारत में कहा गया था कि विभेद तलपस्वता मामयम प्रहरिष्यति इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। तो इतिहास पुराण इत्यादि के माध्यम से उनमें जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा निहित है हमारे वेदों में हमारे वेदांगों में हमारे इतिहास ग्रंथों में हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारे तंत्र के ग्रंथों में हमारे दर्शन के ग्रंथों में हमारे बहुत सारे जो शिल्प शास्त्र के ग्रंथ हैं उन शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में जो हमारा वास्तु विज्ञान निहित है हमारे अथर्व वेद में जो राजनीति विज्ञान निहित है जो समाज विज्ञान निहित है और जो अर्थ विज्ञान निहित है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें जो राजनीति निहित है तो हम सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को ये प्रेरित करने की आवश्यकता है कि हम अपने स्वाध्याय को अपने विषय तक ही सीमित रखेंगे और उनमें जिन जिन शास्त्रों का समावेश किया गया है समय नहीं है कि हम उनका परिगणन यहाँ कर सकें और सभी लोग उनसे परिचित हैं तो उन उन विषयों का अध्ययन करते हुए
और चूंकि अध्ययन की एक परंपरा है हमारे यहाँ, ये मान्यताएं, दो मान्यताएं रही कि केवल उसका वाचन किया जाए कि उसके अर्थ को जान करके पढ़ा जाए, तो आज उसके अर्थ को जान करके, उसके रहस्य को समझ करके हमें वेद और वैदिक वाङ्मय के अध्ययन की आवश्यकता है, ताकि उसमें जो ज्ञान विज्ञान अनुसूत है उसको भी लोग समझें, और हमारा जो भारतवर्ष जिस कारण से विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है उसके मूल में जो वैदिक ज्ञान विज्ञान निहित है हम लोगों को समझा सकें। यह ज्ञान विज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में हमारे पास विद्यमान है, और यही कारण है कि जब शास्त्र कहता है हमारा विक्रम संधि समाकीर्णो दुस्तरो मंत्र सागरा या साम नाम वा सहराष्टम सा सर्व पापैः प्रमुच्यते इत्यादि की बात जब करके वो वेदों की प्रशंसा करता है अर्थवाद के माध्यम से, तो वो जो रहस्य शब्द आया हुआ है, यद्यपि वहां पर रहस्य शब्द ब्राह्मणों के लिए है, उपनिषदों के लिए है, परंतु हम उसकी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करके कि हमारे वेद, हमारे वेदांग, हमारे वैदिक वाङ्मय, हमारे इतिहास, हमारे पुराण और संस्कृत भाषा में लिखे हुए अन्य जो हमारे शास्त्रों की जो परंपरा है, उन शास्त्रों के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान विज्ञान के विविध रहस्यों के बीज अनुसूत किए गए हैं उनको समुद्घाटित करके, और आज के प्रासंगिक, आज के वर्तमान प्रसंग में हम उन्हें किस तरीके से प्रासंगिक सिद्ध कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसी के साथ हम अपने बात को यहाँ पर पूर्णता प्रदान करना चाहेंगे, क्योंकि 5 मिनट का ही समय हो गया है। धन्यवाद। हम परमादरणीय गुरु प्रवरा डॉक्टर शशि जी के और ये जो आपका वेद संस्थान है इसके जो देवकृष्ण दास जी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनके और सभी संयोजक मंडल के प्रति अपना हार्दिक साधुवाद और कार्तज्ञ समर्पित करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। बहुत 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 आभारी हैं डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी के, अवसर दिया है। एक पक्ष रह गया था, उन्होंने उस पक्ष पर प्रकाश डाला और हमने देखा कि स्वाध्याय एक इतना अधिक शब्दों और एक शब्द है लेकिन उसके साथ कितने अर्थ छिपे हुए हैं। व्यवहारिक पक्ष पर विश्वजीत ने बात की, उसके गहरे और उसके अंदर जो दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष छिपे हुए हैं उनकी बात अपर्णा और प्रयाग नारायण ने की, और उसके जो दूसरे पक्ष हैं यज्ञ इत्यादि से जुड़े हुए उनकी बात प्रताप चंद्र ने की। एक बात जो रह गई, शायद मुझे लगता है कि वो रह गई, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये स्वाध्याय में स्व प्लस अध्याय है, इसका अध्याय अध्ययन अर्थ जो है उस पर यहाँ पर विविध प्रकार की चर्चाएं हुई, लेकिन स्व पहला अर्थ तो अध्याय है, स्व अध्याय। तो ये जो अध्याय शब्द है यजुर्वेद के हमने देखा 40 अध्याय है, तो जो पठनीय अंश होता है, जो अध्येतव्य अंश होता है, जो पाठ का भाग होता है हमारे हमारे शास्त्रों में उसको अध्याय कहते हैं, जो पार्ट होते हैं विभाग होते हैं, तो वहां से ये अध्याय शब्द जो है व्यापक अर्थ में अध्ययन अर्थ में चला गया और दोनों अर्थों को देने लगा, ग्रंथ भी दे रहा है, इसीलिए वेद को भी कह रहा है स्वाध्याय और वेद अध्ययन को भी कह रहा है स्वाध्याय, और उसके जो आप कह रहे हैं तपस्या करना और उसके यज्ञ करना, ये वाले पक्षों को भी उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और उसके व्यवहारिक पक्ष को भी, उसके फैले हुए सारे ग्रंथों को लिया जाए ये अर्थ भी जोड़ा जा रहा है। तो बहुत सी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई, और डॉक्टर दास का और प्रद्युम्न शर्मा जी जो यहाँ के वेद संस्थान के अध्यक्ष हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से एक विषय पर यहाँ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, और हमने सत्र में काफी लाभ भी उठाया है। एक चैट बॉक्स में कई सारे प्रश्न भी पड़े हुए हैं, सुझाव भी पड़े हुए हैं, मगर हम सबको नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय अभाव है। और एक अच्छी हर्ष की बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में अपना काम करती है उसके डायरेक्टर भी आए हुए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज जो USA Dartmouth में है, बोस्टन में है, वहाँ से वो डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय नाम है प्रोफेसर बलराम सिंह का नाम है। तो ये सब लोग बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, कोई बात नहीं है, कभी फॉर्म मिलेगा तब हम पूछेंगे।
अब मैं फिर से पुनः माइक दे धन्यवाद शशि मैडम जी, वेद संस्थान आज आभार प्रकट करता है आप सभी विद्वत जनों का। बहुत ही बढ़िया सुंदर और स्वर्णिम अवसर रहा आज वेद संस्थान के लिए। वेद संस्थान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी विद्वान और विदुषी लोगों की गौरवमयी उपस्थिति रही, इससे बढ़कर और क्या आनंद हो सकता है। और वेद संस्थान जिसके लिए ही स्थापित हुआ है वह विषय आज चर्चा का विषय रहा, तो सभी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसका स्पष्टीकरण किया। मैं अपर्णा धीर मैडम जी का, प्रताप चंद्र जी का, विश्वजीत विद्यालंकार जी का और प्रयाग नारायण मिश्र जी के साथ आदरणीय शशि मैडम जी का नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। प्रश्नोत्तर जो रह गए हैं किसी अवसर पे इसकी चर्चा कर लेंगे। एक विशेष सूचना है कि 26 तारीख जो सितंबर 26 है उसमें एक बढ़िया विषय पे चर्चा होगी। विषय रहेगा मनसा परिक्रमा, जो संध्या का एक प्रकरण है, तो उस मनसा परिक्रमा प्रकरण में आए हुए मंत्रों की वैज्ञानिकता, इस पे एक व्याख्यान होगा। और व्याख्यान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं विपिन मित्र गुप्त जी, जो वेद संस्थान के मंत्री रविदेव गुप्त जी हैं, तो उनके छोटे भाई हैं और निश्चित रूप से ये अनुभवी हैं और वानप्रस्थ साधक आश्रम में इन दिनों वो साधनारत हैं, व्यापारी भी हैं, साथ में ये परिवार तो निश्चित रूप से वेद के लिए समर्पित है। तो आप सभी रुचि बनाइए इस तरह मनसा परिक्रमा के मंत्रों की वैज्ञानिकता इस प्रकरण को सुनने के लिए। और इस सत्र को समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूं, क्योंकि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, रस तो काल पी चुका है, 8 मिनट जा चुका है, तो इसलिए इस सत्र को समाप्त करने के लिए आइए सब मिलकर के शांति पाठ करते हैं। और इस तरह विद्वानों का परिचय हुआ। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जुड़ें और इस तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सब।